यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस में सैनिकों की कमी होने के संकेत मिले हैं। रूस में सैनिकों के लिए आयु सीमा खत्म करने की तैयारी हो रही है और जंग में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने से रशिया बुरी तरह से परेशान है। और यूक्रेन भी यह दावा कर रहा था कि लगभग हमने रूस के 20,000 से ज्यादा सैनिकों को इस युद्ध में मार गिराया है। और आपको बताते हैं कि रूस के पास सैनिकों की आखिरकार किल्लत क्यों है और यह किल्लत कैसे हो रही है और खत्म होगी सेना में उम्र की सीमा। रशिया यह तय करने जा रहा है, सैनिकों के लिए रिटायरमेंट की उम्र खत्म करने की तैयारी में है रूस। और यूक्रेन युद्ध की वजह से सैनिकों की कमी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों के लिए मोरल में कमी की बात सामने आई है। करीब 3 महीनों की जंग में बड़ी संख्या में रूसी सैनिक हताहत हुए हैं और इससे उनका मोरल बहुत ज्यादा डाउन देखा जा रहा है। अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल के लिए रूस को अनुभवी सैनिकों की जरूरत है। फिलहाल रशियंस के लिए सेना में 18 से लेकर 40 साल की उम्र सीमा लागू है और इसी सीमा को खत्म करना चाहता है, जैसा कि यूक्रेन में हुआ है। और यह स्थिति बताती है कि यह युद्ध किस तरफ बढ़ रहा है और यह युद्ध न सिर्फ यूक्रेन को परेशान कर रहा है बल्कि रशिया को लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन गया है। दीप्ति काला मैम, आप कैसे देखती हैं रूस के फैसले को और क्या यह माना जाए कि रूस जैसे बड़े देश में सैनिकों की कमी हो गई है? जी देखिए, ये 87th डे वॉर का चल रहा है और जो ये फैसला लिया गया है ये बहुत ही जायज़ फैसला है विपिन। ऐसा होता है वॉर सिचुएशंस में, जब 87th डे में उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है सैनिकों का। इनफैक्ट ये हर देश की स्ट्रेटजी होती है, हमें भी रिटायरमेंट के बाद भी 2 साल तक हम भी ऐसे एक रूल से बंधे होते हैं कि अगर ऐसी कोई वॉर सिचुएशन आती है तो हम भी वापस से वॉर फ्रंट पर जा सकते हैं। तो ये जो फैसला है, यूक्रेन का अपहरण कहीं दिखा रहा है, यूक्रेन से परेशान होता हुआ रशिया जैसा बड़ा मुल्क नजर आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन में 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चे राइफल लेकर सड़कों पर और सीमाओं पर उतर गए हैं। जी देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि यूक्रेन से परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जब आपको अगर वॉर आगे बढ़ाना है और सैनिक हताहत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको वर्क फोर्स तो चाहिए ही, और रशिया को अभी कहीं और से एड नहीं मिल रहा है तो उसको ये सीमा जो आयु सीमा है ये बढ़ानी पड़ेगी ताकि जितनी ज्यादा यूक्रेन से युद्ध जीतना है तो सैनिकों की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा और इसीलिए अपने सैनिकों की आयु सीमा को घटा रहा है रूस। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।